गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। किसी भी जंतु को पढ़ने से पहले हम उसका क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ठीक है, तो किसी भी जंतु को पढ़ने से पहले उसका क्या पढ़ेंगे? अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो टॉपिक है अपना एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो क्या है? एक जंतु। इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका का मीन क्या होता है? अब देखिए, एंट का मीन क्या होता है? अंदर। एंट का मीन क्या होता है? अंदर, यानी इनर। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? एक जाति। हिस्टो का मीन क्या होता है? उत्तक, यानी टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। ठीक है, लिटिका का मीन क्या होता है? लयनकारी। लयनकारी। तो जो अपन एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ेंगे उसमें एंड का मीन होता है अंदर, यानी इनर। अमीबा क्या है? एक जाति। हिस्टो का मीन क्या है यहाँ पे? टिश्यू यानी उत्तक। और लिटिका का मीन क्या है? लयनकारी। तो आप इसको एंड अमीबा को, जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है उनका मीन, एंड का मीन अंदर है, अमीबा एक जाति है, हिस्टो क्या है? उत्तक। लिटिका का मीन क्या है? लयनकारी। कहने का मीन ये है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो एक अंदर परजीवी जंतु होता है जो कि मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, मनुष्य की आंत के जो उत्तक होते हैं उसके अंदर ये लयनकारी पदार्थों का क्या करता है? श्रावण करता है। मनुष्य की आंत के जो उत्तक होते हैं उसमें लयनकारी पदार्थों का क्या करता है? ये श्रावण करता है। जब ये लयनकारी पदार्थों का श्रावण करता है तो उसके अंदर छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न हो जाती है। क्या बन जाती है? फुंसियां बन जाती है। इन फुंसियों के फटने से तरल पदार्थ का क्या होता है? श्रावण होता है, जिसको आप एमीबियासिस रोग बोलते हो। बट अपन को यहाँ पे इतना पढ़ने से पहले, ये तो बाद में पढ़ेंगे, बट ध्यान में रखना, किसी भी जंतु को पढ़ने से पहले उसका क्या पढ़ते हैं अपन? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जब बात करें हम, फाइलम क्या है इसका? प्रोटोजोआ। क्लास क्या है इसकी? राइजोपोडा। ऑर्डर क्या है इसका? लोबोसा। और जीनस क्या है इसका? एंट अमीबा। और स्पीशीज क्या है इसकी? हिस्टोलिटिका। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। और एंट अमीबा का मीन तो आपको सभी को पता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और आंत में रहने के साथ साथ ये जो आंत के जो उत्तक होते हैं उसके अंदर लयनकारी पदार्थों का क्या करता है? श्रावण करता है। इसलिए इसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका रखा गया। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरण बोला जाता है। ठीक है, तो वितरण क्या होता है? अब जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो वर्ल्ड वाइड एनिमल होता है। कहने का मीन ये है कि ये लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी उष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये भारत, चीन और मैक्सिको में पाया जाता है। मैक्सिको में पाया जाता है। परंतु एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो संक्रमण होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है? अधिक होता है। कहने का मीन ये है कि एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का प्रकोप होता है वो मैंने कहा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है।
तो ये था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रखेंगे कि एंड अमीबा स्पोलेटिका होता है वो लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत, चीन और मैक्सिको, ये यहाँ पे भी पाया जाता है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रकोप क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी हैबिट एंड हैबिटेट्स की। अब बात करते हैं अपन हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास, स्वभाव और आवास। हैबिटेट, हैबिटेट की बात की जाए तो एंड अमीबा स्पोलेटिका क्या होता है, अंतः परजीवी जंतु होता है। क्या होता है? अंतः परजीवी जंतु होता है जो कि मनुष्य की आंत और कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो एंड अमीबा स्पोलेटिका क्या है? अंतः परजीवी जंतु होता है जो कि मनुष्य की आंत और कोलन के कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो एंड अमीबा स्पोलेटिका अंतः परजीवी होने के साथ साथ यह मनुष्य की आंत और कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है, बट ये कई बार मनुष्य के लीवर कोमा लंग्स कोमा ब्रेन के अंदर भी क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है। तो मैंने ये आंत को कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है, परंतु कई बार यह लीवर लंग्स और ब्रेन के अंदर भी पहुंच जाता है। अब देखिए कि एंड अमीबा स्पोलेटिका होता है मनुष्य की आंत के अंदर और कोलन के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो आंत की जो कोशिका है, आंत की जो कोशिका है, आंत की कोशिका को एक बार छोड़िए, जो आंत है उसके अंदर की ओर क्या पाई जाती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या करता है? इस म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर एक लाइटिक सब्सटेंस यानी विलयन उत्तक विलयनकारी पदार्थ का क्या करता है, स्त्रावण करता है, जिसके कारण इसमें छोटी छोटी इस प्रकार से फुंसियां उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? फुंसियां उत्पन्न हो जाती है, और इन फुंसियों के फटने से क्या होता है, तरल पदार्थ का क्या होता है, स्त्रावण होता है। तरल पदार्थ का क्या होता है? स्त्रावण होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, अमीबियासिस रोग बोलते हो। आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्पोलेटिका की। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्पोलेटिका की बात की जाए तो एंड अमीबा स्पोलेटिका होता है तीन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। नंबर एक है ट्रोफोजोइट, जिसको मैग्मा बोलते हैं। नंबर एक स्टेज कौन सी है इसकी? ट्रोफोजोइट। पहले तो ये देखिए कि अपना टॉपिक पॉइंट क्या है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, संरचना और आकार की। तो एंड अमीबा स्पोलेटिका होता है वो तीन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। पहली है इसकी ट्रोफोजोइट, पहली फॉर्म क्या है, ट्रोफोजोइट, पहली फॉर्म क्या है इसकी, ट्रोफोजोइट, पहली फॉर्म है इसकी ट्रोफोजोइट, या इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। सेकेंड है प्रीसिस्टिक, प्रीसिस्टिक या माइलोटा। थर्ड है सिस्टिक। तो एंड अमीबा स्पोलेटिका होता है वो तीन फॉर्म यानी तीन रूपों में पाया जाता है। पहली कौन सी है, ट्रोफोजोइट यानी जिसको क्या बोलते हैं, मैग्मा भी कहा जाता है। सेकंड है प्रीसिस्टिक, जिसको क्या बोलते हैं, माइकोटा। थर्ड कौन सी है, सिस्टिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रोफोजोइट की।
तो ये डायग्राम किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजोइट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफो जॉइंट। ये ट्रोफोजोइट का डायग्राम है जो इस प्रकार से है। ये स्ट्रक्चर है ट्रोफोजोइट। तो बाहर की ओर क्या पाई जाती है? पतली सी काठ में मिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? फूड वेक्यूल्स, फूड वेक्यूल्स। फूड, ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। इसका जो साइटोप्लाज्म है दो भाग में बंटा रहता है, एंडोप्लाज्म। ये क्या है इसका? एक्टोप्लाज्म, एक्टो प्लाज्मा। और ट्रोफोजोइट की संरचना की जब अपन बात करें तो ट्रोफोजोइट की जो संरचना होती है वो एंड अमीबा स्टोलिटिका की जनरल संरचना के समान होती है। यानी ट्रोफोजोइट है उसकी संरचना एंड अमीबा स्टोलिटिका के क्या होती है? समान होती है। अब जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है वो बड़ी गोलाकार सक्रिय अवस्था होती है। क्या होती है ये? बड़ी गोलाकार सक्रिय अवस्था होती है। क्या होती है ये? बड़ी गोलाकार सक्रिय अवस्था होती है जो कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने का क्या करती है? कार्य करती है। ट्रोफोजोइट होती है वो बड़ी गोलाकार सक्रिय अवस्था होती है जो कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने का क्या करती है? कार्य करती है। इनके शरीर के चारों ओर एक पतली पारदर्शी अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो अर्ध पारगम्य पारदर्शी लचीली झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर देखा जाए तो इसमें जो द्रव भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बंटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में बंटा हुआ रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। अब देखिए पृथ्वी की ओर जो कोशिका द्रव्य होता है वो साफ और कणिका महीन होता है। ध्यान में रखना कि पृथ्वी की तरह जो कोशिका द्रव्य होता है वो अपन को साफ और कणिका महीन दिखाई देता है जिसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। जबकि एक्टोप्लाज्म के अंदर की ओर देखा जाए तो उसके अंदर कणिका नुमा संरचनाएं दिखाई देती है
और इनके अंदर का जो पार्ट होता है वो साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, फूड वेसिकल्स, ये सारी संरचना उपस्थित होने के कारण यह जो साइटोप्लाज्म होता है उनको कणिकानुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। इस साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखिए इनके अंदर एंडोप्लाज्म के अंदर की ओर देखा जाए तो इसके मध्य भाग में लगभग एक बड़ी गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के मध्य भाग में एक बिंदु के समान संरचना दिखाई देती है जिनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फूड वेसिकल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फूड वेसिकल्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से ट्रोफोजोइट की क्या होती है? संरचना कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज की। इसकी बात करेंगे आगे प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज की। तो ट्रोफोजोइट हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड फेज की प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा। ये जो डायग्राम है वो किसका है? स्ट्रक्चर हो प्री सिस्टिक या माइक्रोटा, प्री सिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज, प्री सिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज। तो इसकी प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। ये डायग्राम है इसकी एंड अमीबा स्पोरेटिका की प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज का। तो बाहर की ओर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। ये है एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। अब ध्यान में रखना, प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा स्टेज क्या होती है? ऐसी अवस्था जो क्या होती है, ट्रोफोजोइट और सिस्ट के बीच की क्या होती है? अवस्था होती है, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्था जो कि सिस्टिक अवस्था से पहले आती है, वो कौन सी होती है? प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा। तो देखिए इसकी प्रीसिस्टिक या जो माइक्रोटा फेज होती है वो छोटी गोलाकार एचएल संरचना होती है। क्या होती है? छोटी होती है, गोलाकार होती है, छोटी होती है, गोलाकार होती है, और क्या होती है? एचएल होती है। एचएल होने के साथ साथ ये नॉन फीडर भी होती है, नॉन फीडर भी होती है। तो ध्यान में रखना, प्रीसिस्टिक या माइक्रोटा जो स्टेज है वो छोटी गोलाकार एचल और नॉन फिल्टर क्या होती है? स्टेज होती है, यानी ये भोजन ग्रहण नहीं करती। अब इसकी बॉडी के चारों ओर पतली लचीली अर्धपारगमा झिल्ली पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो भाग में बटा होता है। प्रीति की ओर जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपन को साफ दिखाई देता है जिसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। बट एक्टोप्लाज्म के अंदर की ओर देखा जाए तो इनका आंतरिक भाग के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, जिसके कारण अपन को यह आंतरिक भाग कणिका नुमा भाग के रूप में दिखाई देगा जिसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्म।
और एंडोप्लाज्म के अंदर की ओर एक बड़ी गोलाकार हमको संरचना दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मध्य में एक स्पॉट के समान संरचना दिखाई दे, इसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी जो संरचना होती है वो ट्रोफोजोइट के समान होती है, बट ये मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करती। इसकी और विशेषता कि इसके अंदर फूड वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाती? इसमें फूड वैक्यूल्स वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ध्यान में रखना जो प्री सिस्टिक जो स्टेज है उसके अंदर फूड वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्या है नॉन फीडर स्टेज है। और इसके व्यास की बात की जाए तो इसका जो व्यास होता है वो 12 से 15 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 12 से 15 माइक्रो होता है। तो ये थी इसकी प्री सिस्टिक स्टेज। आगे बात करेंगे हम सिस्टिक स्टेज की। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? इसका स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टिक या सिस्ट स्टेज। ये इसकी कौन सी है? थर्ड स्टेज है इसकी एंड माइक्रोलिटिका की। तो ये क्या है? इसके चारों सिस्ट वॉल, सिस्ट वॉल, ये क्रोमेटिड बॉडी हो ही गई। ये क्या हो गया? ग्लाइकोजन मैक्यूल्स। ये क्या हो गया इसका? न्यूक्लियस। ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो देखिए जैसे ही कोई पर्टिकुलर कंडीशन आती है तो प्रीसिस्टिक या माइटोटा स्टेज होती है वो अपने चारों ओर एक मोटी पट्टी होती भित्ति का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन सिस्ट वॉल कहा जाता है। और जो इस प्रकार जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी? सिस्टिक स्टेज या सिस्ट कहलाती है। सिस्ट क्या होती है? गोलाकार संरचना होती है। और जिस प्रकार ट्रोफोजोइट और माइटोटा का जो साइटोप्लाज्म था दो भागों में बटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार इनका साइटोप्लाज्म भी कितने भागों में बटा हुआ रहता है? दो भागों में बटा हुआ रहता है। बाहर की ओर क्या? एक्टोप्लाज्म। अंदर की ओर क्या है? एंडोप्लाज्म। उसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है? क्रोमेटिड बॉडीज पाई जाती है, न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। और इसके अलावा इसमें ग्लाइकोजन बॉडीज भी पाई जाती है जो कि इसका क्या होता है? आरक्षित भोजन होता है। क्या होता है इसका? आरक्षित भोजन होता है। क्या होता है इसका? आरक्षित भोजन होता है। तो आगे इस सिस्टिक जो स्टेज होती है उसमें प्रारंभ में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रारंभ में क्या है? एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बट बाद में इस न्यूक्लियस में विभाजन होने से एक से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? दो। दो में विभाजन होगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? चार। इस प्रकार इसमें कितने न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा? चार न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। इस कारण इस सिस्टिक स्टेज को चतुष्केंद्र की अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चतुष्केंद्र की अवस्था भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? चतुष्केंद्र की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस प्रकार एंड अमीबा स्टेनोलिथिका की अपन ने नींव को पढ़ी थी। सबसे पहले ट्रोफोजोइट या मैग्ना, सेकंड थी प्री सिस्टिक या माइटोटा, और थर्ड कौन सी थी? सिस्टिक। आगे पढ़ेंगे हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्टेनोलिथिका। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा।
आगे हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्पोरोलिटिका। तो ये डायग्राम किसका है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्पोरोलिटिका एंड अमीबा स्पोरोलिटिका। आगे हम बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंड अमीबा स्पोरोलिटिका यानी एंड अमीबा स्पोरोलिटिका की सामान्य संरचना। तो एंड अमीबा स्पोरोलिटिका की सामान्य संरचना इस प्रकार से होती है।